नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी GDC एग्ज़ाम 2023 होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम जो RRC है उनका शेड्यूल आ चुका है और 15 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम है यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे जो साथी हैं उनका ये सवाल है कि GDC एग्ज़ाम के लिए स्पेशल छुट्टी मिलती है कि रेलवे की तरफ से, या TA मिलता है क्या, और एग्ज़ाम देने के लिए हमें कब रिलीव करते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको छुट्टी मिलती है कितने दिन की मिलती है, TA जो मिलता है वो कितने दिन का मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे में जब आप GDC का फॉर्म भरते हैं तो GDC जो है, आपको पता है कि भाई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जो भी होती हैं उनमें दोस्तों रेलवे आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट करता है, इसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलती। देखिए, छुट्टी मिलना और ऑन ड्यूटी ट्रीट करना दोनों में एक फ़र्क होता है। देखिए, ऑन ड्यूटी ट्रीट का मतलब यह है कि आप जो है ड्यूटी पर रहोगे। ऑन ड्यूटी का मतलब है कि आपको ऑन ड्यूटी ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उसे आपके जो हेडक्वार्टर है उसे बाहर दिखाया जाएगा कि आप अपने हेडक्वार्टर पर नहीं हो। ठीक है, आप अपने हेडक्वार्टर पर नहीं हो और आपका जहां पे आप साइन करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका D यहां पर चलेगा कि आप जो है आउट ऑफ स्टेशन हो, यानी कि आपके हेडक्वार्टर पर नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल लीव जो होती है वो कई मामलों में मिलती है। तो स्पेशल लीव का तो मतलब है कि आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऑन ड्यूटी ट्रीट का मतलब है कि आप रेलवे के काम से जा रहे हो, इसलिए आप ड्यूटी पर रहोगे, और जब तक आप रिटर्न नहीं आते हो तब तक आपका जो अटेंडेंस है यहाँ पर चलती रहेगी, आपकी लीव नहीं लगेगी, आप जो है प्रेजेंट ही रहोगे ऑन ड्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए TA कितना मिलेगा और एग्जाम देने के लिए रिलीव कैसे करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हम आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पर एक एग्जाम हुई है ALP GDC की, जो RRC जयपुर से कंडक्ट हुई है। तो देखिए, उसमें पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो GDC की एग्ज़ाम होती है उसमें कई सारे फेज होते हैं, जैसे आपका पहले CBT एग्ज़ाम होगा, फिर आपका CBAT एग्ज़ाम होगा, मतलब जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसी भी होती है जिनमें आपके टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद आपका DV होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो जब जब भी आप दोस्तों इन एग्ज़ाम के लिए जाओगे, तब तक दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप GDC के अलावा कोई बाहरी एग्ज़ाम देके जाते हो जिसके आपने NOC ले रखी हो, जैसे मान लीजिए आप इसको स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है उसके लिए NOC लेकर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके लिए आपको खुद की छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप जो है डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे CBT हो, चाहे साइको टेस्ट हो, चाहे DVM जा रहे हो, चाहे मेडिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दोस्तों आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट ही किया जाएगा। यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो साइको टेस्ट का है, ठीक है, CBT मेरे को मिला नहीं था, तो यहाँ पर साइको टेस्ट जो हुआ था अभी रिसेंटली, जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 18/8/2023 को हुआ था, और ये उसका स्पेयरिंग लेटर के संबंध में है कि आप जो कर्मचारी हैं उनको ये फॉर्मेट बनवा के लेके आना ही है, Annexure 1, अगर वो नहीं लेके आते हैं तो उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ये स्पेयर लेटर कहाँ से बनवाया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके इंस्ट्रक्शन उनमें क्लियर लिख रखा है कि एम्प्लॉय आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इको लेटर एंड फॉर्मेट ऑफ स्पेयर लेटर। ठीक है, एम्प्लॉय विल फुल्ली फिलअप द नेसेसरी डिटेल इन रिलीविंग लेटर एंड अप्रोच देयर यूनिट इन चार्ज, यानी कि आपका जो रिलीविंग लेटर है उसके अंदर आपको आपकी डिटेल भरनी है और आपका जो यूनिट इंचार्ज है उसको बताना है। आपका जो यूनिट इंचार्ज है, आपका सुपरवाइजर है, वो दोस्तों आपको वेरीफाई करेगा, वो सील लगा के देगा, और उस सील के बिहाफ पे दोस्तों आप जो है एग्जाम में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोड्यूस ऑल लेटर एंड स्पेयर लेटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन बाय यूनिट इंचार्ज एट द वेन्यू ऑफ CBAT, यानी कि जब आपके एग्जाम होगी, चाहे CBT हो चाहे CBAT हो, अगर आप आपके इंचार्ज से स्पेयर लेटर लेकर नहीं जाओगे तो दोस्तों आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है इस प्रकार का, स्पेयर लेटर फॉर अपियरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBAT, ये CBAT का है, लेकिन मेरे पास CBT का है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी CEN 0/2023 GDC की 22/7/2023 को RRC जयपुर से, तो वहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा यानी कि CBT जो एग्जाम हुआ था उसमें स्पेयर लेटर का फॉर्मेट इस प्रकार से था, जिसमें आपको क्या था, आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी थी, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे हो, और फिर आपको एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी थी, और फोटो लगा के आपका जो भी इंचार्ज उसे साइन करवा के लेके जाना था, यहाँ पर आपकी डिटेल भरनी थी और सील लगा के और साइन करवा के लेके जाना था, तभी आपको एंट्री यहाँ पर मिलती थी। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट करना पड़ेगा और स्पेयर लेटर बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्पेयर लेटर कब बनवाया जाता है और TA का क्या रूल है। तो देखिए, मान लीजिए आपकी जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख से है, 15 तारीख से आपकी एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से,
अब यहाँ पर देखिए, अब की बार जो एग्जाम है वो कई फेजों में हो रही है, जैसे 15 को एग्जाम है, 19 को है, अलग अलग डेट में एग्जाम है। तो मैं देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर आपको दिखा रहा हूँ, बाकी देखिए जब ऑफिशियल इसके बारे में ये जो भर्ती है अभी जो DDC का है जिसका एग्जाम होना है 15 दिसंबर से, उसका अलग से जब नोटिस आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए सपोज कीजिए अगर आपकी सिर्फ 15 दिसंबर को आपकी एग्जाम होती तो रूल ये कहता है कि दोस्तों एक दिन पहले आपको स्पेयर कर देते हैं। मान लीजिए 15 दिसंबर को आपकी एग्जाम होनी है तो एग्जाम क्या होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती है, आपके हेडक्वार्टर पर ही आपके एग्जाम होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर NWR की, तो NWR का हेडक्वार्टर जयपुर है, तो संभावना ये होती है कि जयपुर में ही आपकी एग्जाम होती है। तो यहाँ पर जयपुर में इजीली आप जो कहीं भी जॉब कर रहे हो तो इजीली दोस्तों आराम से 8 से 10 घंटे में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपको रेलवे बोलती है कि 15 दिसंबर की अगर आपकी एग्जाम है तो आपका जो इंचार्ज है वो 14 तारीख को यानी कि एक दिन पहले आपको स्पेयर करेगा ताकि आप 14 तारीख को शाम तक या रात तक एग्जाम सेंटर के पास पहुंच जाए, और दूसरे दिन जब आपकी एग्जाम है 15 दिसंबर की एग्जाम आप दें, और 15 दिसंबर की एग्जाम देने के बाद उसके जस्ट बाद जो भी ट्रेन अवेलेबल हो आपके हेडक्वार्टर के लिए जहाँ भी आप जॉब करते हो तो उसके लिए जो भी ट्रेन अवेलेबल हो उसमें बैठ के आप आ जाइएगा, रूल ये कहता है। अब देखिए अब यहाँ पर ऑन ड्यूटी ट्रीट कब कब आपको किया जाएगा, देखिए जब आप 14 तारीख को एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है कि आप सुबह ही स्पेयर हो जाएं या दोपहर में स्पेयर हो जाएं, उस दिन हो सकता है कि आप आधे दिन की ड्यूटी करेंगे तो उस दिन तो आपकी प्रेजेंट रहेगी। 15 तारीख का आपका एग्जाम है तो 15 दिन जो है आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, डी लिखा जाएगा, और 16 को भी हो सकता है दोस्तों आप एग्जाम दे के जो है दोपहर तक आए या सुबह तक आए, तो चूंकि आप रात में ट्रैवल करके आए हो तो ऑन ड्यूटी आपकी ट्रीट हो जाएगा। तो आप ये इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी ट्रेन की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दूसरे दिन एग्जाम कितने बजे देके आते हो। अगर मान लीजिए आप अर्ली मॉर्निंग में आ गए तो उस दिन आपसे ड्यूटी करवाई जा सकती है, अगर मान लीजिए आप दोपहर तक आए तो फिर आपको ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती या आधे दिन की ड्यूटी आपसे करवाई जा सकती है। तो ये तो हो गया ऑन ड्यूटी ट्रीट करने का नियम। अब बात करते हैं कि TA आप कैसे कैसे भरोगे, TA कब कब भरा जाता है। देखिए TA जब भरा जाता है जब आप ऑन ड्यूटी जाते हो रेलवे के काम से। अब चूंकि आप ड्यूटी से एग्जाम देने जा रहे हो जो कि रेलवे का ही है तो आपको दोस्तों इसमें TA जो है मिलेगा। अब देखिए अगर सिर्फ एक दिन की एग्जाम में मानूं 15 दिसंबर की तो आप दोस्तों 14 तारीख को यहाँ पर ट्रैवल करके जाओगे, ठीक है 15 को, और हो सकता है 15 को रिटर्न आओगे अगर 16 को, तो सबका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 14 तारीख को आप जाओगे तो 14 तारीख अगर आप दोपहर में भी गए तो TA का नियम क्या कहता है कि भाई अगर आप 6 घंटे या 12 घंटे के बीच 6 घंटे से बाहर अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहते हो तो दोस्तों आपको 70% TA यहाँ पर मिलता है। तो आपको दोस्तों 14 तारीख के दिन का 70% TA तो आपका मिनिमम मिल ही जाएगा। 14 तारीख को आपको 70% TA मिनिमम मिल जाएगा क्योंकि आप अपने हेडक्वार्टर से कम 6 घंटे बाहर रहोगे। अगर दोपहर में भी आप स्पेयर होके जाते हो तो भी दोस्तों आपके पास 6 घंटे मिनिमम होते हैं, तो 6 घंटे आपके हो जाएंगे 14 तारीख के, तो 70% TA आपका 14 तारीख का बन जाएगा। 15 तारीख को जब आपकी एग्जाम होगी तो हो सकता है कि 15 तारीख की जब आपके एग्जाम हो तो आप दोपहर तक फ्री हो या शाम तक फ्री हो, और जब आप ट्रेवल करके आएंगे तो हो सकता है कि उस दिन सेम डे आप अपने हेडक्वार्टर पर रिटर्न वापस नहीं हो। तो कम संभावना यही है कि दोस्तों आप 15 तारीख को रिटर्न नहीं आ सकते 12 बजे से पहले, तो इस दिन आपका 100% TA यहाँ पर बन जाएगा। तो मिनिमम आपका दोस्तों मान के चले कि 1.7 यानी कि 170% TA आपका बनी जाएगा। और अगर आप लेवल 1, 2, 3, 4 इनमें हैं तो दोस्तों आपको पता होगा लेवल जो 5 तक है जो TA दोस्तों अभी बनता है लेवल 5 तक, वो दोस्तों ये है कि आपको 70% का ₹350 और आपको 100% का ₹500 मिलेगा, यानी कि आपका ₹850 TA बन जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप 16 तारीख की दूसरे दिन आ रहे हो तो 16 तारीख को अगर मान लीजिए आप सुबह 6 बजे तक भी आए तो 6 बजे तक भी आए तो 6 बजे में भी आपके दोस्तों 6 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों नियम यही कहता है अगर आप दूसरे दिन भी 6 घंटे भी ट्रैवल कर लिए तो आपको 70% TA बचाएगा, और अगर 6 घंटे से कम ट्रैवल करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 30% मिल जाएगा। तो मान के चले कि आपका लगभग अगर दूसरे आप 16 तारीख को आते हो और 30% TA भी आपका बन गया तो आपका 2 दिन का TA यानी कि 500 + 500 ₹1000 आपका TA लगभग बन जाएगा। तो यहाँ पर ये था दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर सब बता दिया है कि GDC एग्जाम के लिए स्पेशल लीव मिलेगा, तो देखिए लीव नहीं मिलेगा, आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। दूसरा TA कितना मिलता है जो मैंने आपको बता दिया कि डिपेंड करता है आपकी ट्रेन के ऊपर और आपका हेडक्वार्टर कितनी दूर है, आपका एग्जाम कितनी दूर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एग्जाम देने के लिए रिलीव कब करेंगे तो आपको बता दिया कि एक दिन पहले आपको रिलीव कर देंगे और एग्जाम देके और दूसरे दिन आप आ सकते हो। बाकी देखिए अभी देखिए एग्जाम है वो 2-3 दिन यहाँ पर होने वाली है,
तो इसका देखिए मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, जब आपका नोटिस यहाँ पर आ जाता है एक बार जो स्पेयर होने का, तो उसके संदर्भ में उस समय आपको प्रॉपर जानकारी के साथ उस समय आपको गाइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।